नमस्कार, स्वागत है आपका विंध भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए, बीटीएस चौराहे से चिरहुला मंदिर के आगे तक गुजरने वाला नाला लोगों के लिए बना काल करीब 1 से 2 किलोमीटर तक खुला नाला जानलेवा बन गया है। इस नाले में गिरने से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वही कल पवन द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति भी इसी का शिकार हुए, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है और लगातार घटनाएं हो रही हैं, पर कोई सुध लेने वाला नहीं। क्या नाम है इनका मरीज का? पवन द्विवेदी। क्या घटना हो गई, कैसे? गाय आई बगल में, नाली जो बनी थी वो कवर नहीं थी, 7 फीट गहरी नाली है, उसी में गिर गया। इनका सर कट गया, रिपोर्ट आई, नाले में गिर गए वो। कहाँ पर है? छत्रपति नगर मोड़ के पहले। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे। एसके गुप्ता, ये जो बड़ा का नाला खुला हुआ है जी, उसमें कई लोग गिरते पड़ते रहते जी, क्या कहना शासन? शासन की कोई सुनने देखने की तैयार नहीं है कि यहाँ पर ध्यान लगाए। 2-3 जन गिर के मर भी चुके इस नाले में। ये मौत का नाला बना हुआ जी सर। कल ही अभी एक जन गिरे हैं, जी तोल लिए जी जी। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ पशु को गिरते रहते हैं, पशु गिरते रहते हैं, रोज गिरते रहते हैं। दूसरे तीसरे गिरते रहते हैं। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन कहाँ ध्यान दे, इसको पैक कराना जरूरी है ना। पैक नहीं करवा रहे। गंदगी भी फैल रही है।